राधे राधे दोस्तों, आज मैं भारत के इतिहास का जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन जो अधिकांश एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बार बार रिपीट भी होते हैं, तो वो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो मानव समाज किस पर आश्रित होता है? तो इसका आंसर देखो आप, चार ऑप्शन अपने पास, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो इसका आंसर है संस्कृति पर, जो मानव समाज है वो संस्कृति पर आश्रित होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसका आंसर आएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। तो जो इतिहास को जानने के लिए, पढ़ने के लिए हम जो है उसको तीन वर्गों में, तीन काल में डिवाइड करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा युग माना जाता है जिसके लिखित साक्ष्य हमें मिलते हैं लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक युग में रखते हैं। इसका आंसर होगा आदि ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो मैं आपको बता दूँ, जो आर्य सभ्यता थी सिंधु घाटी से पहले वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। तो वह नगरीय सभ्यता थी इसलिए हम उसको आर्य सभ्यता की श्रेणी में नहीं रखते, उसको गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, वह नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? तो वैदिक सभ्यता हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता से अलग क्यों थी? तो देखो, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसमें क्या है कि सभी ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, कह सकते हैं शहरी जीवन की सुविधाएं वहाँ पर विकसित थी। अगला, वहाँ से हमें कई तरह की मूर्तियाँ मिली है, तो इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर चित्रलेखीय लिपि भी हुआ करती थी, वहाँ की जो लिपि है वो चित्रांकन लिपि देखने को मिलती थी खुदाई के दौरान। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, तो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से हमें तांबे के अवशेष मिले हैं, कांसा जो धातु है उसके उपकरण मिले हैं, लेकिन हमें वहाँ से लोहे के कोई उपकरण नहीं मिलते हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का अभाव था, मतलब लोहा धातु से वो परिचित नहीं थे, इसलिए हमें उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत, तो मैं बता दूं, वहाँ से हमें उत्खनन के दौरान जो भी पुरातात्विक स्थल में जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, बर्तन है, ठीक है, वहाँ पर मूर्तियाँ है, वहाँ की भवन निर्माण शैली है, वो जो मिलते हैं तो वो पुरातात्विक खुदाई में हमें मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर शिलालेख या वहाँ पर जो भी लिखे हुए अभिलेख है तो उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए वो हमारे लिए बेकार है। तो उसके द्वारा हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी नहीं मिलती, हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सिर्फ वहाँ की खुदाई के दौरान जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसी से हमें उनकी जानकारी मिलती है, जिसलिए इसका आंसर है पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। तो देखो, इसके अंदर धार्मिक ग्रंथ हमें नहीं मिलते, वहाँ से कोई शिलालेख नहीं मिलता, लेकिन
हमें वहाँ पे पुरातात्विक संबंधित खुदाई के दौरान कई सारे पुरातात्विक साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, तो अभी मैंने आपको बताया था उत्खनन के दौरान बर्तन है, जेवर है, हथियार है, औजार है, ये सारे पुरातात्विक साक्ष्य है जो हमें उत्खनन के दौरान जमीन में से निकलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जानने का मूल स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है, और इसमें बर्तन भी आते हैं, जेवर भी है, हथियार भी है, औजार भी है। हाँ, भले ही वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे और उनके हथियार हमें अन्य धातुओं के मिले, जैसे तांबा है, कांस्य है, इनके बर्तन मिले हैं, इनके औजार मिले हैं, इस तरह से। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति से, दूसरा ऑप्शन है अपना पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, तीसरा है वैदिक संहिताओं में, और चौथा है चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर है ए, हड़प्पा संस्कृति में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी से भी परिचित थे, वो चांदी धातु का उपयोग करना जानते थे। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता उसके उत्खनन में हमें जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनका रंग किस प्रकार का हुआ करता था, कैसा रंग हुआ करता था? तो इसका आंसर है लाल। हमें हड़प्पा सभ्यता से लाल रंग के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं, लाल रंग के बर्तनों प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में हमें मुहर पाई गई है उस पर हमें किस प्रकार के पशु का चित्र नहीं मिलता? और तो देखो इसके अंदर इसका आंसर है ए, गाय। तो गाय है, उससे जो हड़प्पा निवासी है वो परिचित नहीं थे। बाकी हड़प्पा सभ्यता से मिली गई मुहरों में हाथी का, बाघ का और गेंडे का चित्र हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए, और मिलान करने का बताया है अपने को, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर के लिए चुनिए। तो देखो पहला है अपना लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है धोलावीरा और चौथा है बनावली। तो जो सूची सेकंड में इनसे संबंधित कुछ फैक्ट है वो अपने को इसको मिलान करने हैं। तो लोथल है, तो लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है, तो गुजरात में होने के कारण इसमें लोथल जो सभ्यता है, सभ्यता स्थल है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का विदेश से व्यापार होने का साक्ष्य मिलता है। क्योंकि लोथल में जो है गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह मिला है, जिससे क्या है कि जल मार्ग के माध्यम से विदेशों से व्यापार किया जाता था। तो लोथल गुजरात में है, तो गुजरात में लोथल है, तो लोथल का कनेक्शन देखो, लोथल को किससे मिलान करेंगे? दो से। तो लोथल में क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है। बी है कालीबंगा, कालीबंगा अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो कालीबंगा है वहाँ से हमें जूते हुए खेत मिलते हैं, तो बी का मिलान हम कहाँ से करेंगे? जूते हुए खेत, कालीबंगा है वो, उसका मिलान एक से करेंगे, जूता हुआ खेत। धोलावीरा, तो धोलावीरा है ये हमें गुजरात से मिलता है, और यहाँ पर क्या है कि जितने भी जो पानी के लिए पानी को स्टोरेज करने की जो स्टोरेज करने का जो साक्ष्य है, मतलब बांध वगैरह बनाने के जो बांध के साक्ष्य में जो मिलते हैं, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं उसके साक्ष्य में मिलते हैं, वो मिलते हैं धोलावीरा से। इसके साथ ही यहाँ पर हमें एक बड़े आकार का एक साइन बोर्ड मिला है, एक शिलालेख मिला है जिसमें 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और यह एक बहुत चित्रात्मक लिपि थी जिसको हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम इसको जो है आधे ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो धोलावीरा को मिलान करेंगे हमें चार से, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और चौथा है बनावली। बनावली है जो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, और यहाँ से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। मतलब क्या है कि हल्के साक्ष्य हमें बनावली से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक जूते हुए खेत की खोज, तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जूते हुए खेत के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो इसमें क्या है, अपने को मिलान करना है कि जो सभ्यताएं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़,
ये सभ्यताएँ किस नदी के किनारे पे है, तो इनको नदियों से हमें मिलान करना है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में है और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पे है, तो ए का मिलान हम करेंगे तीन से। हड़प्पा सभ्यता किस किनारे है? रावी नदी के किनारे है, तो ए का तीन से। दूसरा है कालीबंगा, तो कालीबंगा मैंने आपको बताया था हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, तो कालीबंगा का मिलान दो से करेंगे। सी लोथल, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पे है, ठीक है, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे पर है, तो इसका हम आंसर मिलान कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि जो इसका आंसर है ए, तो ए में देखो ए में आएगा तीन, तो ए में आएगा रावी, कालीबंगा में आएगा घग्गर नदी और सी में आएगा भोगवा नदी, लोथल जो है भोगवा नदी किनारे पर, और डी में आएगा चार, सतलज नदी किनारे पर जो है रोपड़ सभ्यता विकसित है। अगला है सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मैं बता दूँ जो मोहनजोदड़ो है यह वर्तमान में पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और सेंधव सभ्यता का यहाँ पर जो बड़ा स्नानागार है वो यहाँ से, इसको ग्रेट बाथरूम भी कहा जाता है, वो प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर एक विशाल अन्नागार, अन्न रखने के जो बड़े बड़े यहाँ पर कमरे मिले हैं, इसलिए विशाल अन्नागार भी मिले हैं, तो विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों ही हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका आंसर है ए। अगला है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मैंने बताया था आपको नगरीय व्यवस्था थी, यहाँ पर भवन है, दो दो मंजिला भवन मिले हैं और अंडरग्राउंड नालियाँ मिली है, तो नगरों के में नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ थी, तो पहला ऑप्शन सही है। व्यापार वाणिज्य, तो मैंने बताया था लोथल जो गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है हमें, वहाँ से हमें विदेश से जलमार्ग के द्वारा व्यापार करने के साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ पे बंदरगाह मिला है हमें जहाँ से नावों या जहाज़ों के माध्यम से क्या है व्यापार किया जाता था, तो दूसरा भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो मैं आपको बता दूँ सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान हमें वहाँ से कई सारी मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है, तो इससे हमें यह पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे, बट इसमें अपन को दे रखा है कि लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसका आंसर होगा डी, जो कथन असत्य है, तो लोहे से परिचित थे तो ये कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही जानकारी हमें प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तो मैं बता दूँ सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तो मैं बता दूँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के सुदृढ़ नगर है, एक समृद्ध नगर है, इसलिए ये दोनों भी इसके लिए जाने जाते हैं, इसलिए दो भी सही है। अपने कृषि कार्य के लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, मिश्रित फसलों के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हमें जूते जो हमें हल्के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, और जो नदियों पर बांध बनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो इस वजह से क्या है जो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो भी सही है। चौथा है अपने उद्योगों के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार विदेशों से होता था, जिसके साक्ष्य हमें गुजरात से मिलते हैं लोथल से, इसका मतलब चारों ऑप्शन अपने लिए सही है, तो इसका आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, तो सुमेल नहीं है मतलब यह है कि ये जो स्थान है ये किस राज्य में है, जो राज्य का मिलान गलत होता है वो इसमें सुमेलित नहीं होगा। तो देखो आलमगीर, तो आलमगीर जो है वो यूपी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर है, वहाँ पर आलमगीर जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो स्थित है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ आलमगीर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, सॉरी पूर्वी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वतम जो स्थल है वो आलमगीरपुर है पूर्वी सीमा पर। अगला है लोथल, तो लोथल मैंने आपको बताया था गुजरात में है जहाँ से बंदरगाह मिले हैं, कालीबंगा जो मैंने बताया वो राजस्थान में है हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी किनारे, तो मैं आपको बता दूँ इसमें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगा हरियाणा, तो ये गलत है क्योंकि कालीबंगा कहाँ पे है राजस्थान में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है वही लिखना है अपने को, रोपड़ पंजाब में है, तो कालीबंगा राजस्थान में है हरियाणा में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियाँ संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो मैंने बताया था बनवाली, बनावली,
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आलमगीर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी, तो ये राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं है, ये राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि राखीगढ़ी का इसमें राजस्थान दे रखा है, बल्कि राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में, और बनावली भी कहाँ पे, हरियाणा में। तो राखीगढ़ी का सही आंसर क्या है कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है मांडा, ए में है मांडा, बी में है दैमाबाद, सी में है कालीबंगा और चौथे में राखीगढ़ी। तो मैंने आपको बताया राखीगढ़ी हरियाणा में है, पिछले क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में। तो राखीगढ़ी का मिलान करेंगे दो से, हरियाणा। कालीबंगा कहाँ पे, तो राजस्थान में। तो मैंने आपको बताया राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पे है, हनुमानगढ़ में, तो राजस्थान में है। तो सी का मिलान करेंगे एक से, राजस्थान में। राखीगढ़ी दो से मिलान करेंगे, कालीबंगा राजस्थान एक से मिलान करेंगे, दैमाबाद महाराष्ट्र में, तो बी का मिलान चार से करेंगे, और मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है, तो ए का मिलान तीन से करेंगे। तो आप देख लेना इसको, अपने हिसाब से मिलान कर लेना, मैंने आपको बता दिया इसके सही सही आंसर क्या है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो देखो, कालीबंगा जो है वो अपने राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, हड़प्पा पाकिस्तान में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मतलब भारत में है, लोथल गुजरात में है मतलब भारत में, कालीबंगा जो है राजस्थान में है तो ये भी भारत में, हड़प्पा जो है, हड़प्पा शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो वर्तमान में पाकिस्तान में, तो इसका आंसर होगा बी। अगला देखो, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो देखो, भारत में पहला अपने ये वाला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में, तो वो जाएगा हड़प्पा। अब इसमें देखो, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो मैंने बताया था सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में स्थित है, लोथल गुजरात में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, गुजरात। लोथल सभ्यता जो स्थल है वो गुजरात में है, तो ये लोथल है, ये अपना सी आंसर हो जाएगा इसका। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल में स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो मैंने बताया लोथल गुजरात में। लोथल से हमें क्या मिलता है, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से, और ये गुजरात में स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशों से व्यापार होने के साक्ष्य बताता है हमें, तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल में स्थित है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो मैं आपको तीसरे से बताया मैंने आपको कि लोथल गुजरात में हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो कालीबंगन जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, रोपड़ है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और लोथल है ये गुजरात में है, रोपड़ है जो भगवा नदी किनारे पे है रोपड़ सभ्यता स्थल, पाटलिपुत्र जो है ये बिहार में है, और ये जो अपने 16 महाजनपद पड़ते हैं उसमें मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये सभ्यता स्थल नहीं है, ये मगध साम्राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, और मातृशक्ति में। तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर होगा डी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ तो वहाँ से हमें जो है कई सारी मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मातृशक्ति में वो क्या करते थे, विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो इसमें देखो चार ऑप्शन है अपने पास, पशुपति की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की, ब्रह्मा की। तो हमें साक्ष्य मिलते हैं पशुपति के, क्योंकि पशुपति जो है भगवान शिव को कहा जाता है और भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा की जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ उस समय हमें कई सारे शिवलिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से मिले हैं, इसलिए हमें पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो शिव की पूजा पशुपति के रूप में करते थे। मोहनजोदड़ो एक एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई, उत्खनन कार्य हुआ, तो उसके प्रभारी कौन थे, तो उसका आंसर आएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत हुई थी।
अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, ऐसे दो भारतीय जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा उनका नाम है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए में राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी में है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी में है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, चौथा है माधव स्वरूप वत्स तथा बी वी राव। तो इसमें देखो इसका आंसर है ए, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने जो सिंधु घाटी सभ्यताओं के स्थलों को खोज निकाला था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, मतलब हड़प्पा का उत्खनन करने वाला सबसे पहले जो हड़प्पा का उत्खनन किया वो किया था ए कनिंगम ने, और ए कनिंगम ही अपने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पितामह कहे जाते हैं, और भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जो माने जाते हैं वो ए कनिंगम को माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम इनका पूरा नाम है, और इसका आंसर ये कि ए आएगा। इसमें क्या है, ए कनिंगम ने क्या है कि हड़प्पा का उत्खनन तो किया पर वो इसके महत्व को नहीं समझ सके, उनको ये नहीं पता था कि इस ज़मीन के नीचे कोई बहुत बड़ी दुनिया बसी हुई थी। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो देखो वर्तमान में कहाँ पे, मैंने बताया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कहाँ पे, तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के अंदर सिंधु नदी किनारे पे है, तो पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा स्थल है वो है, और वहाँ पर क्या है, हमें वहाँ से क्या मिलते हैं, वहाँ से हमें विशाल स्नानागार मिलते हैं, विशाल अन्नागार मिलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु को का उपयोग किया, तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, तो यह तांबा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें तांबे को साक्ष्य देखने को मिलते हैं। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो धोलावीरा मैंने बताया था, धोलावीरा कहाँ पे है, धोलावीरा है गुजरात में। धोलावीरा से हमें जो है जल प्रबंधन का के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब वहाँ पर नदियों पर बांध बनाए जाते थे, और बांध बनाने के जल को रोक कर उस जल को खेतों में सिंचाई के लिए काम में लिया जाता था, इसलिए धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, अभी मैंने बताया था उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर है बी धोलावीरा से। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी की वीडियो भी लाते रहूँगा आपके लिए, और आप अपनी तैयारी को इसी तरह सुचारू रूप से चलाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस पर आप इसको आप शेयर भी करो और इसको लाइक भी करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।